खातेगांव कन्नौज क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने हाल ही में खराब हुई फसल की मुआवजे और 2016 से लेकर 2020 तक खराब हुई फसल की बीमा की राशि को लेकर जिला कलेक्टर से 4 दिन पहले किसानों से मिलकर किसानों की समस्या को सुनने के लिए जिला कलेक्टर से आग्रह किया था, किंतु जिला कलेक्टर खातेगांव क्षेत्र में होने के बाद भी किसानों से मिलने नहीं आया। इस बार नाराज किसानों ने इंदौर बैतूल हाईवे रोड पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। कोई 2-3 घंटे किसान अपनी मांग को लेकर सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे थे। जिला कलेक्टर के अनसुना करने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। क्षेत्रीय प्रशासन के अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया पर वह नहीं माने। इस पर सैकड़ों किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कुछ खातेगांव और कुछ कन्नौज में स्कूल भवनों का स्थायी जेल बनाते हुए जेल भेज दिया गया। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। दीवाने कहा चले के दीवाने कहा चले पोषण या किसी के अधिकार नहीं देती, फिर भी हम किसानों ने सोचा कि अपना मांगने में क्या जाता है। हमें पता है कि शिवराज सिंह जैसे कहा चले शिवराज सिंह की मैयत ये दीवाने कहा चले शिवराज सिंह की मैयत कलेक्टर तेरी तानाशाही नहीं करेगी नहीं करेगी कलेक्टर तेरी तानाशाही नहीं करेगी नहीं करेगी कलेक्टर तेरी तानाशाही।